जो है स्टार्ट कर लेते हैं, जो भी बंदे आएंगे चलते रहेंगे, कंटिन्यू कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो आपके लाइट सेक्शन पे करने वाले, जो कि हमारे पास प्रैक्टिकली एक सेट भी आया हुआ है और आप लोगों के सामने ही आया है। एक शॉपकीपर का जो है फोन है ये। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये हैंडसेट में लाइट नहीं आ रही, तो लाइट में आपको जो थ्योरी मैंने बताई है उस थ्योरी को ही यहाँ अप्लाई करेंगे और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें PMI 8952 लगी हुई है, जो कि एक आपकी चार्जिंग ग्राफिक और लाइट आईसी का काम कर रही है और फ्यूल गेज आईसी का भी काम कर रही है। तो ये हमारे पास कोई हैंडसेट जो आया है वो वीवो का कोई मॉडल है और इसमें जो है लाइट नहीं आ रही है, यानी ग्राफिक बन रहा है पर लाइट नहीं आ रही है। ऑलरेडी किसी दुकान से आया अपने पास, तो मैं जो है आपको पहले इसका लाइट आ रहा नहीं आ रहा वो चेक करवा देता हूँ। देखिए देखिए आ रहा है, आ रहा है, दिखा ना, दिखा ना, इन्होंने कहाँ से कहाँ से देखा। ठीक है ठीक है, फिर इसका मतलब भी इसमें ग्राफिक तो आ रहा है, इसमें जो है क्या बोलते हैं लाइट नहीं आ रही। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन है वो नए हैं या पुराने हैं, नए हैं तो उनके लिए अच्छी बात है, पुराने तो पुराने जो भी स्टूडेंट हैं उनको तो पूरा पता ही है, और नए जो है उनके लिए मैं एक बेटर ऑप्शन मेरी तरफ से बताऊंगा, जो मेरा तरीका है कि किसी भी फॉल्ट को कैसे हम डायग्नोज करते हैं, कैसे रिपेयर करते हैं। तो पहला काम हमारा ये है कि हमारे पास ये जो हैंडसेट है वो लाइट के इशू में आया है। तो लाइट के इशू में आया है तो पहला काम हमारा ये रहता है कि लाइट, देखिए कोई भी जो एक बल्ब होता है जिसको बल्ब बोलते हैं आप या LED बोलते हैं, वो किससे जलता है, उसके दो कनेक्शन होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अगर उसका प्लस और माइनस नहीं होगा तो वो नहीं जलेगा। अब एक बल्ब का तो काम है एक रूम के अंदर प्रॉपर उसी ब्राइटनेस के साथ जलना, लेकिन हमारे LED के अंदर तो प्रॉपर नहीं रहता, उसको तो कम ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी प्लस माइनस के अलावा लाइट सेक्शन के अंदर एक और लाइन इन होती है जिसको बोलते हैं PWM या CABC या CTRL या फिर आप उसको अनेबल भी बोल सकते हैं। ये तीन चार लाइनें होती है, यानी एक ही लाइन का नाम है जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अब वो लाइन काम क्या करती है, वो लाइन आपकी जो लाइट आईसी है उस लाइट आईसी के अंदर जो मैंने आपको इंटरनल सर्किट में मॉस्फेट जो बताया आईसी के अंदर, उस मॉस्फेट को ऑन ऑफ यानी स्विच करवाने का काम करती है। अब उसको कितना स्विच करवाना है, जितना आप ब्राइटनेस तेज रखते हो, जितना आप ब्राइटनेस कम रखते हो, उसके अकॉर्डिंग उसको ऑपरेट किया जाता है बाई LCD के माइक्रो कंट्रोल आईसी द्वारा या फिर पावर आईसी के द्वारा, दो उसके आउटपुट होते हैं। ठीक है, तो हमें पहला हमारा काम होता है, हम हमारे घरों में कोई बल्ब मान लो नहीं जल रहा है तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि बल्ब तो खराब नहीं हो गया कहीं, यही देखते हैं। तो सपोज करो हमारा जो पहले हम बल्ब को देखेंगे बल्ब सही है या खराब, तो हमने देखा कि ग्राफिक तो इसके अंदर आ रहा है, इसका अंदर लाइट का ही इशू है। तो लाइट को जलने के लिए दो, एक प्लस और एक माइनस की जरूरत होती है, जो कि उस LCD के कनेक्टर पर ही मिलेगा आपको। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया कि जब भी आप लाइट के काम में काम करते हैं या फिर डेड सेक्शन में भी काम करते हैं तो आपको वो लाइन बहुत काम आती है, बिना शील्ड निकाले ही आपकी PMI वर्क कर रही नहीं कर रही, आपकी चार्जिंग IC वर्क कर रही नहीं कर रही, बिना कुछ सेट को दूसरी जगह टच किए ही आप ओनली LCD कनेक्टर से ही पता कर सकते हो कि आपकी चार्जिंग IC काम कर रही है। सेकेंड स्टेप आपको ये भी बताया कि एक और वोल्टेज होती है उसको चेक करने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि आपकी पावर IC भी वर्किंग मोड में है, बताया, उसी को हम इस पर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। रही बात लाइट की, तो लाइट की ही बात करेंगे। तो पहला काम हमारा ये रहता है कि इस लाइट के लिए हमारी LCD कनेक्टर पर एक वोल्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं VPH, लेकिन यहाँ पर LCD कनेक्टर पे अगर वो आती है तो उसको VPH नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो किसी कोयल के थ्रू, किसी डायोड के थ्रू या किसी कैप के थ्रू आती है, तो उसको हम यहाँ क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। ठीक है, एनोड की सप्लाई बोलेंगे।
अब वो एनोड की सप्लाई एक कोयल से निकल के आ रही है तो सेम टू सेम होगी, एक डायोड से होती है तो सेम टू सेम थोड़ा सा ड्रॉप होगा क्योंकि शॉर्ट की यूज हो रहा, तो कितना ज़्यादा ड्रॉप तो नहीं होगा। कैप जो कि पैरेलली लगा हुआ है, तो हमें 3.7 की जगह 3.7 या 3.6 मिल सकता है या बैटरी के बराबर मिल सकता है। अगर हमें LCD कनेक्टर पे वो सप्लाई मिलती है तो हम ये समझेंगे कि हमारी लाइट की प्लस की सप्लाई ओके है। क्लियर? चलो भाई। हाँ चलो भाई। ठीक है, तो आज हम जो एक प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं वो लाइट सेक्शन के ऊपर कर रहे हैं, जैसा कि आपका लाइट सेक्शन का ही थ्योरी चला है। तो अभी हमारे पास एक वीवो का एंड्रॉइड आया, हालांकि मॉडल कोई मैटर नहीं करता, मॉडल कोई मैटर नहीं करता, हम सर्किट के अकॉर्डिंग काम है ना। तो हमारे पास जो सेट आया उसमें आपकी जो IC लगी है वो PMI लगी है। कौन सी लगी है? PMI IC लगी है। अब PMI IC में आपने देखा कि सर्किट मैंने आपको पढ़ाया कि जो PMI IC लगी हुई है और उसके अंदर अगर लाइट सेक्शन को हम वर्क करेंगे तो इसमें जो PMI लगी है वो 8952 ठीक है, वही लगी हुई है। और यहाँ पर हमने नॉर्मली जो लाइट सेक्शन देखा है, जैसे हमारी वाली देखी जो रेगुलर एक यूनिवर्सल IC है, उसमें हमने 6 लैग देखी है। 6 लैग में एक एक पिन का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस पे कैसे काम करेंगे या फिर हमें इस पे लाइट कॉइल कैसी मिलेगी, इस पे हमें लाइट डायोड कैसा मिलेगा, कैप कैसा मिलेगा और हम कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इसके अंदर आपका लाइट ग्राफिक और चार्जिंग ये सारे सेक्शन इसके अंदर आगे इसको बोलते हैं PMI फ्यूल गेज भी मान लीजिए। तो यहाँ पर इसके अंदर मान लीजिए चार्जिंग IC है, तो चार्जिंग IC अपने अंदर से वोल्टेज आउट करेगी जिसको VPH इंटरनली बता रहा हूँ, और यहाँ से ये VPH जब आपके इस IC से निकले जाओ तो इसी IC के बीच में आपको एक कॉइल देखने को मिलेगा इसके इसी VPH के बीच ठीक है। और ये लाइन आप मान के चलिए इसके इंटरनली पार्ट के अंदर जाएगी, जैसे आपने इसमें 6 नंबर और 4 नंबर की डेफिनेशन समझी ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है इसका इनपुट है, क्या है? इनपुट इसका कॉइल का, कॉइल के ऊपर वोल्टेज इन हो रहा है जैसे हमने यहाँ से इसको इनपुट दिया था ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर हमने कॉइल डाले तो यहाँ पर भी आपकी ये कॉइल देखने को मिली ओके। अब जब ये कॉइल मिलेगी तो आपका ये तो इनपुट हो गया और ये आपका SW ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है आपकी क्या हो गई? SW और ये कॉइल का हो गया इनपुट। तो यहाँ से ये लाइन निकल के आगे जाएगी और इस लाइन में आपको जो मिलेगा वो एक मिलेगा आपको क्या मिलेगा? डायोड ठीक है। और इसी डायोड से आगे जाके आपको एक मिलेगा कैप। अब यहाँ पर लाइट कॉइल की बात करें तो हमारे वीवो के मोस्टली हेडसेट पे आपको 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल मिलेगी ठीक है। एक डायोड का जो हमने ड्रॉपिंग देखा 82-250 के आसपास जो कि हमारा शॉर्टकी का ड्रॉपिंग है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा लाइट सेक्शन का ही डायोड है। इसके बाद में हमें कैप जो लाइट का कैप लगा वो कैप भी हमारा होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि उस अलग अलग सर्किट में हम देखते हैं कि आप निकाल के फेंक दिया पैरेलली और चलेगा, नहीं, लाइट सेक्शन में ऐसा कभी नहीं चलेगा। अगर लाइट सेक्शन का कैप नहीं हुआ तो आपका लाइट ब्लिंक भी कर सकता है, हो सकता है लाइट आए भी ना, समझे? यही लाइन निकल के आपकी उसको सेट ऑफ में 0 ओम के रेजिस्टर या नॉर्मल कॉइल डाल के किस पिन पे चली जाएगी आपके लोड एनोड ओके। इसी सर्किट के अंदर से आपकी कैथोड भी निकलेगी, सॉरी कैथोड 1 और कैथोड 2 भी हो सकती है। इसी को आपकी PWM में जाएगी जो आपके LCD कनेक्टर से इसको जाएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका LCD कनेक्टर यानी एक आपकी PWM और एक आपकी क्या हो गई K1 भी हो सकती है, K2 भी हो सकती है क्योंकि PMI है ठीक है। अब ये वाली जो सर्किट है हमें इसको देखना है कि हमारी एनोड ओके है या नहीं। पहला एनोड ओके का हम कैसे पता करेंगे? बैटरी प्लग इन करेंगे और एनोड पे क्या चेक करेंगे? वोल्टेज चेक करेंगे। कौन से वोल्टेज चेक करेंगे? VPH वाले। यही VPH वाले वोल्टेज जो है हमें यही वोल्टेज कौन से वाले वोल्टेज
यही 3.7 की 27 वोल्टेज को आपको यहां पे, इसका मतलब ये होगा कि आपकी एनोड की लाइन जो है वो ओके ओके। नेक्स्ट पीडब्ल्यूएम की जो लाइन है उसमें हम देखेंगे आईसी से कनेक्टेड है तो जीआर चेक करेंगे, कैथोड की लाइन अगर ईएमआई से कनेक्ट है तो जीआर चेक करेंगे, ये सीजन फॉलो करेंगे। उसके बाद भी सारा ठीक है तो हम एक दो कॉइल की वैल्यू चेक करेंगे, डायोड का ड्रॉपिंग चेक करेंगे और कैप की भी वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम इस फोल्ड को जो है लाइट वाले सर्किट को समझेंगे जो कि पीएमआई बेस्ड है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बताया इसमें आपकी बीच वाली जो लाइन है 5 नंबर वो होगी आपकी, इसमें ये आपकी कैथोड होगी, ये डायरेक्टली ग्राउंड रहती है और ये कैप के साथ आपकी ग्राउंड रहती है। इसमें आपको एक रजिस्टर के साथ ग्राउंड किया जाएगा क्योंकि 10 ओम या 5 ओम का ये पूरा सर्किट रहता है। अब इस सर्किट को समझोगे आप, इसको समझोगे सिस्टम दोनों का सेम ही चल रहा है, उसमें भी आपकी लाइट कॉइल्स लगी हुई है, इसमें भी आपका लाइट डायोड लगा हुआ है, इसमें भी कैप लगा हुआ है, यानी यहाँ पे जो कॉइल है उससे जाके आपका आगे डायोड लगा हुआ है, इससे जाके आपका आगे कैप लगाओ और ये लाइन आपके और ये कैसा वाले डायरेक्टली दिखेंगे आपके एलसीडी के यही सर्किट आपका लाइट के अंदर चलता है, चाहे वो पीएमआई हो चाहे वो नॉर्मल आईसी हो चाहे वो 6 सीरीज वाली आईसी, समझ गए। तो देखते हैं प्रैक्टिकल करते हैं। तो हम पहला काम हम ये करेंगे इस सेट के अंदर जो है बैटरी प्लग इन कर देते हैं, और बैटरी प्लग इन करने के बाद देखते हैं कि हमारा जो ये मैं यहाँ पे किसी को मेरी आवाज़ सुनने में या पिक्चर में इशू हो तो बोल दीजिएगा। तो ये इसका एलसीडी कनेक्टर है, और एलसीडी कनेक्टर के लिए वोल्टेज चेक करने के लिए मीटर को हम किस मोड में करेंगे, वोल्टेज मोड में। मैंने मीटर को वोल्टेज मोड में कर लिया जैसे कि आपको ऊपर स्क्रीन में दिख रहा है। यहाँ पर देखिए हम एक एक पिन पे ऐसे चेक करेंगे कि लाइट का प्लस लाइट का आपके 3.7 की सप्लाई 3.7 की सप्लाई 3.7 की सप्लाई ऐसे करते जाएंगे। जहाँ पर हमें 3.7 की सप्लाई मिल जाती है या 4.2 सप्लाई मिल जाती है वही हमारा लाइट का 4.2 के आसपास वोल्टेज मिलते हैं, वहाँ पर मेरे को बता दीजिएगा। और नहीं मिलते हैं तो पता चल ही जाएगा कि पंगा कहाँ है। देखिए यहाँ पे आ गया, ये वाली जो सप्लाई है आपकी 3.7 की है, यानी ये लाइट का क्या है एनोड, लाइट का प्लस है। तो हमारी प्लस की जो सप्लाई है वो कंप्लीट है, क्या है कंप्लीट है। अब हमें हमने एक देखा है कि ज़्यादातर हमारा जो कैथोड होता है उसका जो जीआर होता है, यानी कैथोड को हम जीआर के थ्रू ही चेक कर पाएंगे। अगर ए एल 65 होता तो हम ग्राउंड के जरिए उसको चेक कर लेते कि ग्राउंड के साथ वो क्या जीआर दे रहा है। तो ये जो हैंडसेट है ये मॉडल मेरे हिसाब से मिल जाएगा। देखो एक फ्रेशर बंदे के लिए स्टेप बाय स्टेप बताना ज़रूरी रहता है क्योंकि वो डायरेक्टली तो उसको पता नहीं चलता कि ये कौन सा मॉडल है ना, तो उसको सारे रास्ते बताने पड़ते हैं कि कैसे किस मॉडल को कैसे वो कहाँ से फाइंड कर सकता है ना। तो हमें यहाँ से मिल गया ये वीवो Y71। अब Y71 हमारे पास है तो हमारे पास पहला टारगेट ये रहता है कि आजकल मार्केट में जो टूल चल रहे हैं उसकी हेल्प से हम उस फॉल्ट को डायग्नोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वीवो पे जाते हैं, यहाँ पे हम वीवो Y71 की ही बात कर रहे हैं, और वीवो Y71 जैसा आपने देखा कि इसका जो एक नंबर पिन है वो एनोड है और बाकी की ऊपर की लेफ्ट से एक और दो कैथोड है और राइट से दो नंबर पिन आपकी CABC। कंप्लीट हो गया। इन लाइनों पे GR आना मतलब कि ये लाइन IC से कनेक्टेड है। ओके के लिए हम मीटर को डायोड मोड में करेंगे, रेड वाली प्रोब को ग्राउंड में रखेंगे और ब्लैक वाली से चेक करेंगे। मैंने क्या बताया 600 समथिंग जीआर आएगा, आ गया आ गई। इसका मतलब लाइन आईसी से कनेक्टेड है, इधर से दो नंबर, ये भी लाइन आईसी से कनेक्टेड है। तो हमारी यहाँ पे एक एनोड
कंप्लीट है, कैथोड कंप्लीट है और पीडब्ल्यू कंप्लीट से मतलब सर्किट से कनेक्टेड है। अब वो सर्किट सही है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन लाइन उससे कनेक्टेड है ये हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये लाइन निकल के जा किसको रही है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे हम जो है आईसी पे चलते हैं और देखते हैं कि उस आईसी का सर्किट किस टाइप से है लाइट का। तो हमेशा एक चीज़ को याद रखो, वीवो के हैंडसेट में जो आपकी सबसे बड़ी कोयल आपको दिखेगी वो लाइट की होगी। कौन सी होगी? लाइट की होगी। और वीवो के हैंडसेट में मोस्टली आपकी जो है 10 माइक्रो हेनरी की कोयल यूज होती है। कितनी होती है? 10 माइक्रो, ओके। और डायोड की जो ड्रॉपिंग है मैंने आपको बताया 80-250 के आसपास एक साइड होती है, तभी आप मानेंगे कि अपना शॉर्ट की है, ओके। तो यहाँ पर देखो कोयल भी लगी हुई है और डायोड भी लगा हुआ और कुछ यहाँ से मिसिंग है, कुछ यहाँ से मिसिंग है। हो सकता है दुकानदार को लगा, पानी लगा हुआ तोड़ दिया, हो सकता है पानी लगने कारण ये कैप शॉर्ट हो गया, उन्होंने निकाल दिया, सेट ऑन हो गया, अब लाइट कैसे बनाए पता नहीं, ये भी हो सकता है। तो हमें ये देखना है, पहला काम सर्किट से निकलते ही पहली हमें जो कंपोनेंट मिलती है वो कोयल मिलती है। कौन मिलती है? कोयल। और कोयल हमारे वीवो के हैंडसेट में जो लगी रहती है वो 10 माइक्रो हेनरी की। अब यहाँ पे मेरी तरफ से आपको एक आइडिया देने वाला हूँ कि आप बिना LCR मीटर लिए, क्योंकि आप 4,000, 5,000, 6,000 खर्च करोगे, इससे बढ़िया एक जो आपका DMM है उसके थ्रू ही आप कोयल का पता कर सकते हो कि आपकी कोयल सही है या नहीं है या कोयल की वैल्यू क्या है। अगर इस तरीके को आप फॉलो करोगे तो आपको शायद इन फ्यूचर LCR मीटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस कोयल को हम चेक करने वाले हैं अपने डायोड मोड के जरिए। किस मोड के जरिए? डायोड मोड। अब डायोड मोड में देखिए एक बात को नोट करिए कि डायोड मोड में जब मैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोब को रखता हूँ, आप मीटर की रीडिंग नोट करिए कितनी आती है। थोड़ा सा होल्ड करेंगे और उस दौरान इसकी जो वैल्यू है वो एक तक चली जाएगी। कितने तक चली जाएगी? यहाँ पर ये जो लाइन है इसकी वैल्यू एक तक चली जाएगी। आप देखना थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो चली जा गई। इसका मतलब है कि हम मीटर की दोनों प्रोब को अगर आपस में टच करेंगे तो हमें एक डायोड मोड में दिखेगा। और जब हम कोयल को चेक करें जो भी GR आए उसमें से एक को लेस कर देना है, बाकी का जो वैल्यू रहता है वो हमारा माइक्रो हेनरी में रहेगा। ये मेरा जुगाड़ है, कहीं किताबी नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप मत बोलना कि सर ये तो कहीं देखा ही नहीं कभी तक, ना गूगल पे मिला है, ना फेसबुक पे मिला, ना यूट्यूब पे मिला, नहीं। ये ओनली मेरी तरफ से मैंने खुद से चेक करके आइडिया लगाया कि हाँ इस तरीके से आप एक जुगाड़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी इस कोयल को चेक कर लेते हैं कि इस कोयल की एक्चुअल में वैल्यू क्या शो कर रहा है। तो मैं एक सिरा कोयल का ये है और एक सिरा कोयल का ये है बी पाई, इसका मतलब कोयल ही है। और वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है, 2 आ गई, 3, 2, थोड़ा वेट करो, 2। अब इसके अकॉर्डिंग तो ये एक लेस कर देते हम तो पीछे तो एक ही रहता है और एक के अकॉर्डिंग तो ये एक माइक्रो हेनरी की ही हुई। तो क्या ये कोयल सही है? नहीं है। तो इसका मतलब ये तो हो गया है कि जुगाड़, लेकिन प्रॉपर तरीका भी हम दिखा देंगे आपको क्योंकि मेरे पास LCR मीटर है ना। तो हम एक LCR मीटर के थ्रू इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्या पता ये मेरा जुगाड़ सक्सेस नहीं हो। तो हम यहाँ पे जो है वापस में आपको कैमरे के जरिए शो करवा रहा हूँ। कैसे रखो पठान जी? बस ठीक है, ठीक है। आपको देखो एक मीटर कॉर्नर के अंदर एक मीटर दिख रहा है, दिख रहा है किसी को? ठीक है, ठीक है। अब ये जो मीटर है ये अपना LCR मीटर है। कौन सा मीटर है? LCR मीटर है। वेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। अब इस LCR मीटर के जरिए हम इस कोयल का वैल्यू चेक करने वाले हैं।
कितना आ रहा है? देखिए 0.2 माइक्रो हेनरी। अब 2 का मतलब तो ये तो एक भी नहीं है, एंड एक के अंदरूना भाग है ये पूरा, एक या आधा भी नहीं है, 50% भी नहीं है एक का, एक माइक्रो हेनरी का भी नहीं है ये, कह सकते हैं ये पूरा जंपर ही है। यानी उस मीटर की प्रोब को अगर थोड़ी देर और दबा के रखते तो हो सकता है वो एक पे चला जाता, समझ गए? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पूरा एक भी नहीं है, समझ गए? तो कह सकते हैं कि हमारा जो ये कॉयल है वो खराब कंडीशन में है। सही है, गलत है ना? तो यहां पर हम जो कॉयल है उसको निकाल देते हैं, और कोई स्क्रैप बोर्ड लाओ जिसमें 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी हुई। अब आपके लिए ये भी सवाल होगा कि सर हम कहाँ से ढूंढेंगे, तो आपके लिए आपको स्कीमेटिक की जानकारी होनी चाहिए कि हम कॉइल स्कीमेटिक में कैसे पता कर सकते हैं कि कितने हेनरी की और हमें कहाँ कौन से सेक्शन में कैसे मिलेगी। वीवो का मॉडल में ये 91 वगैरह में मिल जाएगी बड़ी वाली। कुछ यहाँ से भी मिसिंग है इसका, हो सकता है कैप हो। स्टूडेंट की प्रैक्टिकल के लिए होता है ना। हो गया। तो यहाँ पर हमने इस कॉइल को आपके सामने निकाला है और आपको दिखाया भी है कि कितने वैल्यू की है। अब यहाँ पर हम कि एक दूसरा बोर्ड लेते हैं जिसके अंदर से उस कॉइल को निकालते हैं। इस कॉइल को मैं साइड रख रहा हूँ फिलहाल, एक मैंने ये दूसरा बोर्ड लाया है जिसमें यहाँ पर EMI लगी हुई है और यहाँ पर ये कॉइल लगी हुई और डायोड भी लगा हुआ है, दिख रहा है? अब इसका वैल्यू क्या है डायोड मोड में? देखे अगर मेरा जुगाड़ यहाँ पे वर्क कर रहा है तो इस डायोड मोड में देख लेते हैं कि ये क्या वैल्यू आ रही है। उसमें कितनी आई थी? टू आई नहीं, वन ही आई रही थी उसमें तो कुछ वन आ रही थी। तो यहाँ पर इसका एक सिरा तो है कोयल का ये, और मेरे हिसाब से एक सिरा ये और एक सिरा ये है। कितनी आ रही है? 10, 11, 10, 11। यानी 10 में से अगर एक माइनस करोगे तो कितना रहा, या 9 में से भी एक माइनस करोगे तो कितना रहा? 8 रहा। तो लगभग हमें एक आइडिया मिल गया है कि ये कॉइल 10 माइक्रो हेनरी तो नहीं कह सकते, लेकिन 8989 माइक्रो हेनरी की है, कन्फर्म है। अब इसी को हम वापस उस मीटर से चेक कर लेते हैं, LCR मीटर से। हाँ सर, मैं इसको चेक कर रहा हूँ कितना माइक्रो हेनरी का है ये। 9.662 माइक्रो हेनरी दिख रही है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इस कॉइल को हम यूज कर सकते हैं, और इस कॉइल को निकालने के बाद जो है हम उसमें इंस्टॉल करेंगे। अगर हमारा ये फॉल्ट ओनली कॉइल से ही है तो सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा। अगर और कुछ इशू रहा तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा। वेलकम जी आशीष जी, वेलकम। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, एक नंबर जी। तो यहाँ पर हम इस कॉइल को जो है निकाल देते हैं, और कॉइल को निकालने के बाद
इस बात को आप नोट कर ले कि लाइट सेक्शन में 10 माइक्रो हेनरी या फिर कुछ कुछ सेटों में आपको 4.7 माइक्रो हेनरी की कॉइल देखने को मिलेगी। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको निकाल देते हैं। ये कोयल हमने निकाल दी है देखिए, और मैं साथ ही साथ इस कैप को भी ले ही लेता हूँ कि हो सकता है इस कैप का भी काम पड़े हमें, क्योंकि कैप तो सेक्शन मिसिंग है। ये कैप मैं ले लेता हूँ, देखिए कैप थोड़ा अलग ही दिख रहा है ना। तो हमने एक कैप ली है और एक कोयल लिया है, और पहले हम कोयल ही डालेंगे जिससे आपको ये भी समझ में आया कि भाई कैप का भी लाइट में कितना रोल है। मैंने ये कैप को वहाँ से आईडी से उठाया है, वो ये लाइट का है या नहीं ये पता नहीं। इस कॉइल को उस बोर्ड में डाल देते हैं जिस बोर्ड में हमारा ये इशू है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारा एक कैप मिसिंग है वो किस लाइन से। अगर ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, और ये लाइन ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, तो यहाँ से कैप आपका लाइट का ही निकला है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें, इस डायोड को, ये और अगर ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड, हाँ ठीक है, लाइट का कैप ही है। इससे यहाँ से हटा देते हैं। और क्या बिना कैप के लाइट आ जाएगी? हैं? नहीं आएगी सर। नहीं आएगी, तो कैप हमें डालना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो? मान लीजिए आ भी गई तो ब्लिंक करेगी, स्टेबल नहीं होगी, ठीक है। तो क्या पहले बिना कैप चेक करें या कैप लगा के ही चेक करें? चलो कैप बाद में लगाएंगे, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। और साइड का सीन इसीलिए दिखा रहा हूँ मैं कि जिससे आप ये चीज़ पकड़ सके कि बिना कैप क्या लाइट आती है, क्योंकि ये कैप पैरेलल ही लगा हुआ आपको लगेगा सर पैरेलल में तो लगा हुआ है, जैसा कि पैरेलल में इतना क्या तकलीफ है, लाइट तो आनी चाहिए, कुछ सवाल ऐसे होते हैं।
तो हम एक बार अपने सेट को ऑन किए, लाइट देखिए आ चुकी है, कैप हमने इंस्टॉल नहीं किया है। सेट वीवो लिख के आया है और थैंक यू जी, थैंक यू, किसने तालियां बजाई है। प्रॉपर चालू ही नहीं हुआ, एक बार लाइट आई आके चली गई। तो मैंने क्या बोला, अगर कैप नहीं होगा तो आपकी लाइट आएगी तो ब्लिंक करेगी, तो यहाँ पे देखिए आके चली गई। अब नेक्स्ट उस कैप को हम इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप का काम करता हूँ तो ये करता ही करता। ठीक है, कैप हमने डाल दिया है और कैप डालने के बाद दोबारा चेक कर लेते हैं। उल्टा क्या दिखा रही, उल्टा हो गया, उल्टा कैसे हो गया, ऑन हो गया उल्टा। हाँ इस सब्जी, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं इसको, और ठंडा होने के बाद इसको करते हैं ऑन। चलो एक बार इसको ऑन करते हैं, हो सकता है बैटरी त्रिकोण से हो। यहाँ पे देखिए वीवो लिख के आ गया है यहाँ पर कम्प्लीटली। अब देखते हैं वेटिंग में रहता है तो देर फोन होता है नहीं होता है सेट सेट, क्योंकि पहले आके चला गया था हमने देखा है। ये देखिए अभी कंटिन्यू हुआ, फर्क कितना पड़ा कैप से, कैप से जो फर्क रहा है वो आपका ब्लिंक लाइट, आके लाइट जाना, ब्लिंक होना, ये बातें आपके माइंड में रखना कि जब भी लाइट का जो कैप है वो मिस्टेक रहेगा तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अब मुझे नहीं पता यहाँ तक आपको क्या क्या सीखने को मिला है, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है। आजकल इतना ही, थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी। थैंक यू सो मच सर, राहुल नाम है सर मेरा, राहुल फ्रॉम करनाल। अच्छा जी, हरियाणा। हाँ जी सर, बढ़िया। एक चीज जो भी नए बंदे हालांकि इसके आगे में जाते हो मेरे स्टूडेंट ही हैं तो उनको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, उनको तो सब सरटा रटा है क्या है कि नहीं। जी सर, जी नए जो भी बंदे ज्वाइन है, जैसे एक साइड से ज्वाइन हुए हैं राहुल जी, दो हैं राहुल, राहुल ये भी हमसे कंटिन्यू अपने ग्रुप से कनेक्टेड है, तो शायद इनको भी बहुत कुछ हमारी तरफ से की तरफ से मिलना होगा तो इनको भी आइडिया होगा। एक तरफ दार्जी उत्सव, इनको मैं नहीं पहचाना सर, अगर मेरी आवाज आपके पास आ रही है तो आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए जिससे ध्यान में रहे आपके ग्रुप में ऐड है। और सर नमस्ते, मैं गुजरात से। अच्छा नमस्ते, गुजरात से अभी जो ज्वाइन हुए हैं वो बोले ना। हां उत्सव बोल रहा हूं, नहीं तो कुछ गलत गलत आपका नाम तो वहां कुछ और है ना। मैं उत्सव नाम है, मेरे सर नेम अटक है दर्जी। तो आप किस ग्रुप में ऐड हैं? अभी ग्रुप है ना सर, उसमें भी हुए। अच्छा, डेमो में कर गए। बढ़िया बढ़िया जी, ठीक है, फिर आपने टाइम निकाला उसके लिए मेरी तरफ से। सर मेरे को जरूर आना है वहाँ सीखने के लिए, लेकिन अभी कोई टाइम नहीं है, आऊँगा एक दिन पक्का। थैंक यू, ठीक है।
ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में। ओके आशीष जी, सुबेश जी, नीति जी, श्रीकांत जी, ओके सर, टेक केयर।